भाविक संवत 2504 श्रावण वर्ष 30 सोमवार तारीख 21/8/78 ना दिने पूज्य श्री कांजी स्वामी नो श्री समयसार शास्त्र मा गाथा 13 पाचन टीका ऊपर स्वर्णपुरी मा प्रवचन श्री समयसार शास्त्र पर ना 19वीं वक्त ना सर्ण प्रवचन नंबर 64 नमो नोई सौरियंतानम नमो नोई सौरियंतानम नमो नुवि सौ आयिरियां नमो नुवि सौ उज्जयनम नमो नुवि सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवानयो मंगलं गौतमोऽयं मंगलं कुन्कुण्डारयो जयेन्द्रमोऽसुमंगलं नमास्मरिस्मराय स्वानुभूत्या चास्ति चित्स्वाय भवाय सर्वम् समय सार 13वीं गाथा उसका 9 तत्व का अधिकार तो आ गया। पर्याय में 9 तत्व का भेद है, उसको जानना पर आदरणीय है नहीं। हाँ, एक रूप ज्ञायक चैतन हवे है माथे, एक रूप से प्रकाशमान आत्मा, अंतर में ध्रुव ज्ञायक प्रमाण का विषय तो द्रव्य ने पर्याय है, पर यहां तो निश्चय का विषय जो टिकाओ प्रमाण वो पूज नहीं ऐसे कहा है, क्योंकि उसमें पर्याय का निषेध नहीं आता। हाँ, नई चक्र में पर्याय का निषेध होकर चैतन्य चमत्कार प्रभु अंदर पूर्णानंद प्रभु उसका आश्रय लेना, एक रूप का दृष्टि करना, तब आत्मा जैसा है ऐसा प्रकाशमान श्रद्धा में और ज्ञान में होता है। एक रूप टिकाली जो स्वरूप है उसकी दृष्टि लेने से एक रूप प्रकाशमान होता है, उसका नाम अनुभूति ने सम्यक दर्शन है। पीछे कहा कि प्रमाण ज्ञान पर्याय ने द्रव्य को साबित करने को सिद्ध करने को, दो का अस्तित्व सिद्ध करने को प्रमाण का विषय बनाया, पर वो प्रमाण विकल्प है। मैं जानने वाला प्रमाता माने ज्ञान प्रमाण और प्रमेय ऐसा भेद है, भूमि विकल्प है, राग है, उसको छोड़कर अकेला जानने वाला ज्ञायक दृष्टि में प्रकाशमान हो तब एक रूप का प्रतीत हो, तब प्रतीत को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये प्रमाण का विषय है, नहीं आचले सूक्ष्म है विषय भाई। नई दो प्रकार कहे, प्रमाण दो प्रकार का कहा था और प्रत्यक्ष ने परोक्ष, नई दो प्रकार का, नई का अर्थ क्या, जो ज्ञान पर्याय में शुद्ध ज्ञान रूपी भाव प्रमाण है ये अवयवी है, और उसका नय का एक भाग अवयव है। स्वरूप तरफ का लग करके जो निश्चय नहीं है वो यहां विकल्प आत्म लेना है। यहां राज सहित की नई निक्षेप का नय का लक्ष्य विकल्प सहित और व्यवहार नहीं है, ये वर्तमान पर्याय ने राग ने जानने वाली
ये पण राग सहित विकल्प सहित है। हाँ हाँ, ये नयिका दो प्रकार, प्रयार्थिक नहीं, प्रयार्थिक नहीं। जो ज्ञान का अंश त्रिकाली द्रव्य का प्रयोजन से द्रव्य की दृष्टि करते हैं, ये ज्ञान का अंश को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्रव्य प्रयोजन जिसका ऐसा जो ज्ञान द्रव्यार्थिक नहीं, ये ज्ञान का प्रयोजन द्रव्य जो त्रिकाली है ये जानना है, ये नहीं को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। आप पला का हाँ बिरा इनो है। हाँ जी, तो है क्या किसको कहते हैं अभी अजीत तो शुद्ध नहीं या द्रव्यार्थिक नहीं को शुद्ध पर विकल्पात्मक यहाँ बात है, क्योंकि एक त्रिकाली न्याय मैं हूँ, ऐसा द्रव्य का प्रयोजन जिसका नहीं का है ये नहीं को द्रव्यार्थी कहते हैं, इस शुद्ध नहीं का विषय उसको कहते हैं। पर यहाँ विकल्पात्मक अजी विचार में सिद्ध करने को द्रव्यार्थी नहीं आया है, वस्तु त्रिकाल है इसकी सिद्ध करने में अनुमति कहते हैं, इससे सर्वज्ञ जो कहते हैं ये चीज को निर्णय करने में द्रव्यार्थिक नहीं का विकल्पात्मक भाव पहले आता है। समझ में आया सूक्ष्म विषय भाई, अनंत काल में कभी अनुभूति क्या चीज है और सम्यक दर्शन क्या चीज है और उसका विषय क्या है ये ख्याल में कभी लिया ही नहीं। हम तो क्रिया कांड बहुत किया, व्रत ने, तप ने, भक्ति ने, पूजा ने, अने शास्त्र का ज्ञान भी बहुत किया, पर आ वस्तु जी त्रिकाल है उसको जो ज्ञान जानते हैं इसको यहाँ द्रव्यार्थिक द्रव्य जिसका तिकाड़ी चीज जिसका जानने में प्रयोजन है ये नई का अंश को द्रव्यार्थिक नई कहते हैं। पंडित जी गुप्त वाते भाई, अरे इन्हें कभी ध्यान दिया नहीं। द्रव्य श्रावकपना भी अनंत बेरा हुआ, द्रव्यलिंगी साधु जन अनंत बेर हुआ, एम आत्मज्ञान बिना द्रव्य श्रावक बार व्रत ने, भक्ति ने, पूजा ने, छह प्रकार ना जी साधु श्रावक ना आचार कहते हैं, देव पूजा गुरु सेवा ये भी अनंत बेर किया था। पर वो वस्तु अंदर तिखा आनंद का नाद प्रभु उसकी महिमा लाकर अंतर में गई नहीं, बाहर ने बाहर भटकी। समझ में आया वस्तु ऐसी भाई, ये द्रव्यार्थिक नहीं प्रयार्थिक, जे ज्ञान का भाग वर्तमान अवस्था का जानने का प्रयोजन ये नई को प्रयार्थिक कहते हैं। है वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में, वस्तु जो है आत्मा ये तो द्रव्य भी है टिकाव और वर्तमान पर्याय भी है, दो है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में भगवान आत्मा द्रव्य यानी पर्याय स्वरूप वस्तु है, ये द्रव्य अकेला है पर्याय नहीं ऐसा नहीं, अने पर्याय किला है द्रव्य नहीं वस्तु ऐसी नहीं, द्रव्य ने पर्याय स्वरूप वस्तु में वस्तु ऐसी है। द्रव्य का मुख्यता से ज्ञान करावे अनुभव करावे और ज्ञान करा लेना, अनुभव करावे या मैं कंका तो विकल्पात्मक है। क्या किया
कि जो ज्ञान का अंश शुद्ध ज्ञान प्रमाण है उसका अंश नए जे मुख्यपणे द्रव्य का ज्ञान करा दे तो उसका नाम द्रव्यार्थी नए कहने में आता है। अभी बात हो गई है। पंडित ही नहीं आ तो आत्मार्थी वही समझे, पंडित ही न समझे। तो कहा नहीं, कल कहा था श्रीमद का, सब शास्त्र न के नया दारी है मत मंडा न खंडा न भेदनी वो साधन वार अनंत की ओ तद पी कछु हाथ हजू न पड़ू। शास्त्र ज्ञान राग करके खंडन मंडन किया ऐसा है न ऐसा नहीं है न ऐसा विकल्प से ऐसा ज्ञान किया। समझ में आया, सब शास्त्र के नय धारी है ये मत खंडन भंडन भेदनी वो साधन वार अनंत कियो कछु हाथ न पड़ो हम कछु, पर वस्तु क्या है दृष्टि में नहीं लिया है। हा हा हा, ये कहते हैं कि द्रव्य वस्तु, द्रव्य के वस्तु हो, द्रव्य के तुम्हारा पैसा नहीं है बात नहीं है, ये वस्तु है तो अनंत परमाणु का बात है। आए तो एक एक द्रव्य भिन्न उसकी बात है, पैसो है ये तो अनंत परमाणु का अनंत द्रव्य से एक खड़ा होगा उसकी नोट के रूपियो, ये तो अनंत परमाणु अनंत द्रव्य इकट्ठा हुआ दिखने में आता है। ये एक द्रव्य नहीं, नोट दस दस हजार नोट रहते हैं ना, अभी तो बहुत होती है, लोन आती है दस दस हजार की, पर वो कागज में अनंत रजकन है, एक की द्रव्य नहीं, उनमें तो अनंत द्रव्य है, जड़ का अजीव का परमाणु का अजीव अनंत द्रव्य है। तो यहाँ आत्मा द्रव्य किसको कहते हैं कि शरीर राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न ऐसी जो चीज त्रिकाली है उसको यहाँ द्रव्य कहते हैं। दो प्रकार का द्रव्य है, एक प्रमाण का द्रव्य है, एक निश्चय नहीं का द्रव्य है। प्रमाण का द्रव्य इसको कहिए कि जी त्रिकारी द्रव्य ने वर्तमान पर्याय दो को जाने ही प्रमाण का द्रव्य, और निश्चय नहीं का द्रव्य पर्याय से रहित, त्रिकारी एक लाख नायक भाव पर्याय से रहित, ये नई का द्रव्य है। भाई मार्ग बहुत सूक्ष्म से भाई, अरे रे ये मार्ग लिया बिना चौरासी की कहानी अवतार मरी गयो पिलाई ने। समझ में आया, घाणी में जब तन पिलाते हैं तन ऐसा अनादि है, राज विष्णु अग्नि में पिलायता है पिलायता, क्या याने शांति नहीं, शांति क्या न मिले, शांति नो सागर तो भगवान आत्मा, उसका द्रव्य की मुख्यता से विकल्प से ज्ञान करना वो द्रव्यार्थी नई का विषय कहने में आता है। अजी विकल्प है राग, प्रथम भूमि में भगवान ने कहला द्रव्य ने भगवान ही केरी पर्याय उस तो साबित करने को द्रव्यार्थी पर्यार्थी नहीं विकल्पात्मा पहले आती है। ध्यान रख के सुन रहे मुझे बापू आके वार्ता न थी। हाँ तो भगवान नहीं भगवत भागवत कथा से कहते हैं द्रव्य जिसको मुख्यता मुख्यपण है पर्याय है पर पर्याय का गौण है वस्तु त्रिकाली को जी लक्ष्य करावे अनुभव कर अनुभव शब्द ज्ञान
દ્રવ્યાથી નૈકા મુક્તા થી અનુભવ કરાવે એટલે વેદન કરાવે એ આ વાત નથી. યાર સમજમાં આયા? અનુભવ નામ દ્રવ્ય કી જીવ નહી હે, વો ત્રિકાળી મુક્તતા સે દ્રવ્ય કો જ્ઞાન કરાવે ઉસકો દ્રવ્યાર્થી કહેતે હૈ. પટણી જી આવી વાતો છે બાપા. હા હા, ઓર પર્યાય કે મુક્તતા સે અનુભવ કરાવે. અનુભવ શબ્દ અહીંયા જાણના, વેદન અનુભવ અનુભૂતિ એ નહીં. સમજમાં આયા? પર્યાય નામ અવસ્થા વર્તમાન, ઉસકી મુખ્યતા છે જ્ઞાન કરાવે સો પર્યાયથી નહીં હૈ. ઇન દોનો નહીં, દ્રવ્ય ઓર પર્યાય કા, દ્રવ્ય ત્રિકાળી પર્યાય વર્તમાન અવસ્થા, દો કા પર્યાય છે એટલે ભેદ છે. વેદ સે ક્રમ સે જાણને કરને પર અનુભવ કરને પર તો ભૂતાર્થ હૈ, એ વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન યથાર્થ હૈ હૈ. ઇતના સત્ય હૈ કે સમય જ્ઞાન ની કઈ વાત નહીં. ગાથા બરાબરી ભી આવી છે. હા હા, પરમાનંદ પ્રભુ ધ્રુવ દ્રવ્ય ઓ જીસકી મુક્તતા સે જ્ઞાન કરાવે, જ્ઞાન એ દ્રવ્યાર્થી, ઓર જે પર્યાય મુક્તતા સે જ્ઞાન કરાવે એ પર્યાય. એ દો કા ભેદ સે, ભેદ હુઆ ને પ્રકાર હુઆ ને ક્રમ હુઆ ને, દ્રવ્યાર્થી કે જાનના પછી પર્યાર્થી કે જાનના એસા ક્રમ હુઆ, ઓર દ્રવ્યાર્થી કે જાનના પર્યાર્થી કે જાનના એસા ભેદ હુઆ. વેદ સે અનુભવ કરને પર તો ભૂતાર્થ હૈ ખરા, એ વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન દ્રવ્યાર્થી કા પર્યાર્થી કા હૈ ખરા. ભૂતાર્થ નામ ત્રિકાળી ચીજ હૈ, અહીંયા વાત નહીં કહેના. એ દ્રવ્ય કા જ્ઞાન ઓર પર્યાય કા જ્ઞાન વિકલ્પાત્મક હૈ હૈ. સત્યાર્થ હૈ, એ દ્રવ્ય કા જ્ઞાન અને પર્યાય કા જ્ઞાન હૈ, સચ્ચા જ્ઞાન હૈ એસા અહીંયા વાત નથી કહેના, પણ એ હૈ. સમજમાં આયા? અહીંયા સચ્ચા જ્ઞાન હૈ સમ્યક એ વાત નહીં કહેના, અહીંયા તો દ્રવ્યાર્થી કા વક્ત કરકે જો જ્ઞાન હુઆ ઓર પર્યાય કા જ્ઞાન એ હૈ, બસ ઇતના. ये भूतार्थ का अर्थ इतना है. सम्यक नहीं, सविकल्प सम्यक नहीं, सविकल्प ज्ञान के पर्याय है. यथा निर्णय पर हजी विकल्पात्मक है, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन नहीं. જરૂરી નહી, એ તો અંગન મેં ખડા હોકર જેમ ઝવેર કી દુકાન મેં ક્યાં ક્યાં ઝવેરાત હૈ એ જાણતે હૈ, એ અંગન મેં ઉભા અંદર નહીં ગઈ એમ. ભગવાન આત્મા ટીકાળી દ્રવ્ય ને વર્તમાન પર્યાય દો કા વિકલ્પ સે જ્ઞાન કરતે હૈ, વસ્તુ કી સિદ્ધિ સાબિત કરને કો અનુભવ કરને કો નહીં એ પીછે. આવી વાત હોય અને આ સમજાવી જાય ને ધર્મ થઈ જાય, અને પરિમા લે લો વ્રત લે લો, ક્યાં વ્રત ને પરિમા. હજી તો દ્રવ્યને પર્યાયની મુખ્યતા સે જ્ઞાન કરાવે એ બી વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન હૈ, બસ ઇતના. સમ્ય જ્ઞાન હૈ સમ્ય એ વાત અહીંયા નહીં. જ્ઞાનચંદજી, હા હા,
हाँ, ये मिथ्या दृष्टि पण में द्रव्य ने पर्याय कैसे है ऐसा ज्ञान करते इतम समय ज्ञान नहीं है। पीछे और द्रव्य पर्याय दोनों से अनालिंगित द्रव्य ने पर्याय ना भेद ने जो स्पर्शता नहीं आनिंग नहीं किया हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव के भेद को आलिंगन नहीं करता द्रव्यार्थिक नहीं से द्रव्य का ज्ञान पर्यार्थी से पर्याय का ज्ञान ये भेद रूप ज्ञान को ये आलिंगन नहीं करता ऐसा पंडित जी विषय तो बहुत अच्छा आया है। है द्रव्य ने पर्याय दोनों से भेद से अनालिंग आलिंग नहीं करता हुआ शुद्ध वस्तु मात्र जीव एक इला शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान चैतन्य मात्र स्वभाव का अनुभव करने पर आ अनुभव वेदन है। पहले अनुभव था वो ज्ञान था में आया। पटनी जी पुस्तक है नहीं ठीक अब सब पंडित है ना समय पहले जो द्रव्यार्थी का अनुभव कहा था तो ज्ञान करना इतना बात है अनुभव नाम वेदन है आनंद का ये नहीं पर्यार्थी नहीं का मुख से ज्ञान कराया था ये ज्ञान ये प्रकार का विकल्पात्मक ज्ञान अस्ति है बस इतना प्राण जब आत्मा का अनुभव करते हैं ये है देखो आलिंगन भेद को वो द्रव्य ने पर्याय का ज्ञान का भेद को वो विकल्पात्मक को आलिंगन स्पर्श छुति बिना शुद्ध वस्तु मात्र जीव वो तो अशुद्ध का विकल्प नयात्मक ज्ञान अशुद्ध था। शुद्ध जीव वस्तु मात्र का जीव का स्वभाव का अनुभव देखो शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव तिकाली न्यायिक भाव आनंद भाव शांत भाव वितराग भाव इसका अनुभव करने पर उसका वेदन करने पर ये अभूतार्थ है। द्रव्यार्थी पर्यार्थी का जो ज्ञान किया था ये झूठा है। समझ में आया आम बात है वितराग मार्ग परमेश्वर जिनेश्वर देव उसका पंथ समझना बहुत पुरुषार्थ चाहिए मौत अंदर में से निवृत्ति चाहिए अंदर में से कहा बाहर किस भगवान अमृत चंद्राचार्य संत नव तत्व की बात तो कुनकुंडाचार्य का पाठ में कि उससे भिन्न भगवान ही के एकाकार है तो अमृत चंद्राचार्य प्रमाण नहीं निक्षेप निकाला उसमें से समझ आया प्रमाण ने नई का भेद से ज्ञान करना वो की प्रकारे है माया है ऐसा जो अन्य कहते हैं ना अनुमति के माया है सब पर्याय न राग नहीं सब माया है माया इतने माया या मा या ती मा नहीं ऐसे कहते हैं हम तो वेदांत नहीं खबर है हमारे दुकान में था हम जब तो हमारा ग्राहक था एक ये वक्त है ब्राह्मण एक था बहुत वेदांती था
हमारा घरा घराक समझते हैं, हर दिल करते थे कि हमारी दुकान है आप तो माल लेने को आते थे, हम उगराणी जाते हैं ना गरीब तो सेठ बताओ सेठ बता ना, हमारी नानी उम्र तीन थी 70-18 वर्ष में वैसे मौल विदान का एक व्यापक है ने। तो साथ में दर्जी का मकान था तो त्यौहार है तो सब पैया लागे थे, हम तो समझते थे क्या वेदांत ने क्या पर्याय नहीं, एक बार वेदांत एक व्यापक सर्वव्यापक एक चीज है, पर सर्वव्यापक एक है ऐसी माने किसने, माने किसे पर्याय माने क्या ध्रुव माने, तो ध्रुव ने पर्याय तो हो गया द्वित अद्वित नहीं रहा, बड़ी चर्चा होती है कि हमारे सेन भाई नहीं अपने मोतीलाल जी ब्रह्मचर्य एक परमहंस था राजकोट के, हमारी व्याख्यान आते थे सब, उन पीछे परमहंस हो गया रेलना ऊपरी था पगार बड़ा था, तो पीछे ऊंगे पीछे आया था और पीछे क्या राजकोट आया था राजकोट भी चर्चा बहुत ही परमहंस हो गया, बस एक व्यापक, अरे पण एक व्यापक क्या सुनो, एक व्यापक नहीं माना ऐसी कोई दशा है कि नहीं, क्यों तो हम एक मानने का प्रयत्न कराते हैं ना है? और एक अनेक मानने की जो पर्याय है मानता ही अस्थि है कि नथी माया है या माँ ही है ही नहीं या ही बताते समझ में आया, द्रव्यार्थिक का लक्ष्य करके ज्ञान प्रजातिक लक्ष्य ज्ञान विकल्पात्मक पर है ये समय ज्ञान है ऐसी आई बात नहीं है तेरी है अस्थि है ना अस्थि है समय का, तो पीछे बहुत चर्चा होता है कबूत हो किया मैं एक सुनो कि वेदांत तो ऐसा कहते हैं कि नहीं आत्यंतिक दुख से मुक्त थाओ, तो दुख है तो आत्मा आनंद है ना, दुख है दो बस हो गए द्वित द्वारा अद्वित न रहा, और दूसरी दुख से मुक्त था और तरती इसका स्थान में आनंद शाती है, तो आनंद शाह ने वस्तु त्रिका दो हो गई जुगल जी भाई ऐसी बात मत लाए तो सत्य क्या है, कसौटी चढ़ाकर निर्णय करना वो चीज है, सोना को भी कसकर कसौटी में चलाते हैं कि नहीं, क्या 15 वाला है 16 वाला है 13 वाला है, हे भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ही जैसा कहा ऐसा नई से निर्णय करकर कसौटी से जब सोना का निर्णय करते हैं एम नई से आत्मा का परिद्रव्य ने पर्याय निर्णय करके विकल्पात्मक निर्णय प्रियंकर जी पंडित उड़ी जाए से बढ़िया मतो द्रेव ने पर्यातिक से जो ज्ञान हुआ उसको अभूतार्थ कहते हैं, है क्यों कही तो विकल्पात्मक भाव है हमारा शुद्ध वस्तु का अनुभव आया नहीं, गाथा तो आवी छे बराबर आमा शिक्षण शिविर में मार्ग पे साहेब भाई शुद्ध वस्तु का वस्तु मात्र जीव शुद्ध वस्तु मात्र जीव राग नहीं पर्याय मात्र का लक्ष्य नहीं शुद्ध वस्तु मात्र जीव उसका चैतन्य मात्र का स्वभाव का अनुभव करने पर त्रिकाले आनंद स्वरूप भगवान त्रिकाले ज्ञान स्वरूप भगवान हाँ भगवान आत्मा की बात है ओ भगवान भगवान पास रहा त्रिकाले ज्ञान स्वरूप भगवान त्रिकाले आनंद स्वरूप भगवान उसका अनुभव करने पर उस तर्प के दोराकर पर्याय को त्या जोड़कर और वेदन में अनुभव करने पर ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक का जो ज्ञान विकल्पात्मक था ये झूठा है अनुभव करने पर झूठा है पटनी जी हा 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 है
वस्तु ऐसी है भाई, वस्तु ऐसी है। बीजा तो ज्ञान इकुर हो, पर द्रव्यार्थी प्रयार्थी का भेद से ज्ञान करते हैं, ये भी है खरा, पर अनुभव करने पर यह झूठा है। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने में त्रिकाली का अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है। ये द्रव्यार्थी ने परियार्थी का जो ज्ञान हुआ उससे सम्यक दर्शन ये है, ये नहीं। हा, अभी बात से भाई यह स्वभाव का अनुभव करने पर ये अभूतार्थ है, झूठा है। कौन? वो द्रव्यार्थिक नहीं से विकल्पात्मक ज्ञान किया और परियार्थिक से पर्याय सब सब अनुभव करने पर भेद झूठा है। हा, वो पंडित जी ऐसी बात है। ये नई का व्याख्या हुआ, पहला प्रमाण का, ये पहला नौ तत्व का और एक निक्षेप का रहा। निक्षेप ज्ञेय का भेद है, नए ज्ञान का भेद भाग है, निक्षेप ज्ञेय का भेद है। समझ में आया? निक्षेप विषय है और नए विषय करना है, नए विषयी है और निक्षेप विषय है, ये नई विषय निक्षेप विषय का चार भेद है। कहा था नहीं कल, कहा था एक शेर था नहीं, यानी ऐसा कहा था कि मिथ्या दृष्टि हो तब लग भगवान की प्रतिमा के ऊपर लग जाए, यानी तब लग माने, ऐसा कहा था शेर था। गृहस्थ अभी तो ये आदमी सारा काठियावाड़ में ऐसा पैसा था उसके पास में, आज 70 वर्ष पहले 10 लाख रुपया 40,000 की पैदाश और 10,000 का एक गांव गरास, आखा गांव गरास, और मोटा अमलदार अधिकारी वो जज अमरेली ना उसके पास जाते थे, ऐसी उसकी छाप थी बड़ी बाहर में हो। तो वो कहते थे क्षण कष्ट है, तो कहते थे क्या मूर्ति तो जब लग स्थान मिथ्यात है तब लग मान नहीं, सुनो। निक्षेप जो है नई का विषय है, अने जब नई उत्पन्न होती है, ये प्रमाण ज्ञान हुआ जिसको समय ज्ञान हुआ उसके नई का भेद पड़ते हैं, अने नई का भेद पड़ते हैं वो निक्षेप का भेद का विषय ये करते हैं। न्याय समझाए से बात तो बापू जीणी बहु भाई। समझ में आया? निक्षेप परमात्मा की प्रतिमा ये तो निक्षेप है, पीछे कहने में ऐसा होता है जिन प्रतिमा जिन सार की, जिन सार की ने जिन नहीं ने, निक्षेप है ना, तो निक्षेप ज्ञेय का भेद है, पर निक्षेप ज्ञेय का भेद है, ये नई का विषय है, जिसको यथार्थ नई ज्ञान हुआ उसको यथार्थ निक्षेप का विषय लागू पड़ते हैं। पर यहां भेद से चार का विचार करना ये अभूतार्थ हम बताते हैं। है नाम निक्षेप थापना द्रव्य ने भाव, वस्तु में जो गुण न हो उस गुण के नाम से व्यवहार में वस्तु की संज्ञा करना, भगवान शरीर को नाम देना, नाम निक्षेप है, भगवान तो है नहीं। समझ में आया? पार्श आता है ना, वर्तमान पार्श नाम आता है,
वर्धमान पार्श वर्धमान तो भी तीर्थंकर का नाम है, पार्थे भी कहा है तुम वर्धमान पार्श कोई है अंदर में गुण ये तो नाम निक्षेप से गुण न हो पर नाम कथन से कहने में उसका नाम नाम निक्षेप नहीं आते कि नहीं था हमारा वहां का निर्माण था सेवा पार्श पार्शवीर हमारे काम वहां का निर पार्शवीर नाम कहता था दो नाम उसका पार्शन वीर दो हमारा वर्धमान शास्त्री है क्या नहीं ये तो नाम निक्षेप है परमात्मा हाँ ये तो उसका नाम है ना उसका पुत्र का नाम है पंडित जी का बड़ा पुत्र है ना यहाँ उसका नाम परमात्मा प्रकाश है छोटा का नाम अध्यात्म प्रकाश है गुस्सा है मगर पर परमात्मा प्रकाश तो नाम है बराबर है तो जिन्हें गुण न हो पर उसके नाम से एक वस्तु की संज्ञा करना वस्तु का नाम लेना ये नाम निक्षेप है स्थापना यो वो है हाँ भगवान है ऐसा जो प्रतिमा मान निक्षेप करना ये स्थापना है हाँ भगवान है सरस्वती वाणी है तो पुस्तक हम सरस्वती वाणी एम के ना इन स्थापना निक्षेप से है समझ में आया इस प्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधि स्थापित करना वस्तु तो अन्य है ना भगवान अन्य है छता भगवान का उसमें निक्षेप करना क्या घुमड़ू है ना क्या मुठियो चाह राती भाई ने थे गया रहते गया ठीक गांगुली हमें पे थे ना बड़ा कलकत्ता में बड़ा वही डॉक्टर है बाल ब्रह्मचर्य है लेकिन नहीं क्या है पीछे आया पीछे मारा आशीर्वाद दियो कभी जाओ जी में ऐसा रहना मारे लेकिन करना ही नहीं है नहीं तो इतनी उम्र में भी कन्या तो बहुत देती है बस लाखों की पैदाश है मम्मी पी थी ना बड़ा मम्मी आशीर्वाद मारा दियो जाओ जी हमारे लगन नहीं करना चल नहीं आप भगवान की भक्ति में अढ़ी सौ दो सौ इक्यावन नाम जी दिया मन का 80 रुपया हो अकबर के वक्त में मन का 80 रुपया था अकबर था ना जब अकबर बादशाह तब घी का 80 रुपया का मन था ये तो क्यों चलो आई बात निश्चित किया तेरे तो कितनों कहीं से हो क्यों हो 100 रुपया मन के तक है रुपया 250 तो कब्बड़ के वक्त में था चार पैसा का शेर घी तो चले जाते मंगा था वादा यदि चार पैसा चल एक रुपया ना बे पैसा जितना गिन में आता है एक रुपया दो पैसा नहीं साई कहते हैं कि निक्षेप में भगवान है हम कहना ये नाम ये प्रतिमा निक्षेप है ये स्थापना निक्षेप वर्तमान से अन्य अतीत अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना द्रव निक्षेप है क्या तीर्थंकर वर्तमान में नहीं सैनिक राजा जन्म होते हैं तो तीर्थंकर कहना भूतकाल के निक्षेप कहते हैं तीर्थंकर तो तीर में गुणस्थान होगा तब होगा
भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है उसको वर्तमान तीर्थंकर कहना ये अतीत काल की भूतकाल की अपेक्षा से कहना ये द्रव्य निक्षेप है उसमें योग्यता है भविष्य की ये अपेक्षा गिनकर द्रव्य निक्षेप से तीर्थंकर भविष्य में होने वाले को वर्तमान तीर्थंकर कहना समझ में आया है। वर्तमान में कहना है द्रव्य निक्षेप है और वर्तमान पर्याय में वस्तु को वर्तमान कहना केवल ज्ञान परमात्मा का साक्षात विरासत है उसको भाव निक्षेप से कहना कि केवल ज्ञान है ऐसा कह देना ये भाव निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप में वर्तमान है नहीं पर भविष्य में होगा अथवा भूतकाल में हो गया जब शेठ था बड़ा और पीछे दीक्षित हुआ तो उसको शेठ कहना ये भूतकाल की अपेक्षा से समझ में आया। अने मुनि है ये पहले शेठ था तो मुनि हुआ उसको शेठ कहना ये भूतकाल की अपेक्षा से अने केवल ज्ञानी हुआ उसको मुनि कहना भूतकाल की अपेक्षा है और वर्तमान पर्याय में भविष्य में होने वाली को भूतकाल में हो गई उसको वर्तमान में कहना ये द्रव्य निक्षेप है। अभी बात से अरे क्या वहां नवरा आदि नवरा समझे फुर्सत भाई जन्म मरण से पिला रहे तो ऐसा ज्ञान यथा पहले व्यवहार ज्ञान भी करना पड़ेगा। हाँ व्यवहार है जी हाँ समझ में आया। वर्तमान की पर्याय में वर्तमान कहना स्वभाव निक्षेप है ये चारों निक्षेपों का अपने अपने लक्षण भेद दरियाना लक्षण भेद हुआ एक नाम के गुण में नाम के ना एक को गुण है नहीं पर सामे थापना करना भगवान है उसके भी और भी एक वर्तमान योग्यता को गिनकर भविष्य की पर्याय को उसको कहा का भूत की के कहना और एक वर्तमान पर्याय को वर्तमान पर्याय रूप कहना भगवान नो मार्ग बापा ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है भगवान ने कहीं किया नहीं है भगवान ने बनाया है आत्मा को हमको सर्वज्ञ भगवान है तो जैसा है ऐसा जाना और वाणी में ऐसा आए कहते हैं कि चार निक्षेप है ये लक्षण भेद से रूप से भिन्न भिन्न रूप से अनुभव की अनुभव नाम जान ज्ञान की जाने पर भूतार्थ है अनुभव शब्द है जान नाम देना चार नाम लक्षण भेद है भेद करके जानना उसका नाम चार निक्षेप का ज्ञान है ये जाने पर भूतार्थ है समझ में आया। वर्तमान वर्तमान भूतनाम नाम आदि से कहना है वो सत्य है इतना है इतना नाम भी सत्य है नाम कहना है तो ये प्रकार तो सत्य है कि नहीं स्थापना भी सत्य है ये प्रकार कहना सत्य है द्रव्य निक्षेप भूतकाल में भविष्य का कहना भी सत्य है इतना अपेक्षा सत्य है और बिन लक्षण से रहित नाम था अपना द्रव्य भाव के भेद का लक्ष्य छोड़कर एक अपने चैतन्य लक्षण रूप एक अपने चैतन्य लक्षण जानना देखना उसका लक्षण भगवान का ये आत्मा का चैतन्य लक्षण से जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये जीवनो स्वभाव चैतन्य लक्षण है जानना देखना ही उसका लक्षण है कोई राग ने पुण्य दया दान हो उसका कोई लक्षण नहीं समझ में आया। ये चैतन्य लक्षण रूप जीव स्वभाव का अनुभव करने अनुभव में वेदन या अनुभव करने पर का ना अनुभूति करने पर
चारों या भूतार्थ झूठा है, चार निक्षेप झूठा है। यहाँ पे निकलुष में उदयती नई श्री अस्त नहीं प्रमाणम, नई अस्त हो जाता है प्रमाण अस्त हो जाता है, नई उदय नहीं होता प्रमाण अस्त हो जाता है, निक्षेप क्या चला जाता है उसकी हमको खबर नहीं है। आते है ना कलुष में है नहीं। भगवान आत्मा अपना स्वरूप सन्मुख होकर अनुभव करे तब वो निक्षेप का भेद कहाँ चला जाता है हमको खबर नहीं। कहते नए का उदय होता नहीं, प्रमाण तो अस्त हो जाता है विकृत प्रमाण, निक्षेप कहाँ जाता है हमको खबर नहीं। हम तो अद्वैत का एकला अनुभव है, अद्वैत नाम वो अज्ञानी अद्वैत कहते वेदांती है हमसे नहीं, अद्वैत का अनुभव है तो पर्याय है, पर अद्वैत एक रूप चीज का अनुभव तो एक रूप भी चीज आई और अनुभव की पर्याय भी आई, दो आया। हा हा त्रिकाल चैतन्य स्वभाव का अनुभव तो त्रिकाल चैतन्य स्वभाव भी आया, ये तो वस्तु और उसका अनुभव वो पर्याय हुई। निर्विकल्प ज्ञान ने निर्विकल्प दर्शन हुआ ये पर्याय है। आओ माचे ऐसे है जीव स्वभाव का अनुभव करने पर ये चारों झूठा है। हा 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 पहला के एक सच्चा है पीछे के एक झूठा है। सच्चाई कहने का ये अस्तित्व है इतना, सातों ज्ञान से सम्य ज्ञान है या नहीं उसका अस्तित्व है, पर स्वभाव का अनुभव करने पर उसका अस्तित्व है नहीं। अरे बात है भाई, वाद विवाद तो पार पड़ेगा ऐसी चीज नहीं, अंतर अनुभव करने पर भान में आता है। वाद विवाद करे तो कहीं है, वाद वाद विवाद करे सो अंधा, समस्या नाटक में आया है, समझ में आया। हाँ नियम सार में आया है, भगवान कुन कुंडाचार कहते हैं प्रभु तेरी चैतन्य निधि का अनुभव हो वेद से रही तो ये निधि को पाकर एक किला भोगवगा। जैसे परदेश में ये प्राणी कोई करोड़ों रुपया लेकर आया अपने देश में तो ये खानगी रीति करोड़ों रुपया भोग बाहर न पाएगा, बहुत झंडेरा पिटेगा कि हम करोड़ रुपये लाया है, तो कुटुंबी मानसो नात वाला जात वाला भिखारी गर्भ सब लाओ लाओ कहेगा। नियम सर नहीं, मैट्रिक प्रदेश में से कुछ लाया हो करोड़ रुपये करोड़ पांच करोड़ या सुन भाई है बाप पास कहीं पचास हाथ लाख के बावीस लाख तो भरना पड़े सरकार को, छह लड़का पास पैसा जुड़ा है छह भाई है तो उसके पास तो बहुत पैसा है एक एक पास है सब, और इसका पिताजी बिन था उसके पास पैसा था पचास हाथ लगे बोला खबर के सरकार को बावीस लाख भरना पड़ा वार्ता हो अभी सरकार को उसका पिता की लक्ष्मी वार्षिक तरीका आया ना बाईस लाख तो उसको सरकार को भरना पड़ा एक किला उसका पिताजी के लक्ष्मी में से अपनी छह छह लड़का है उसके पास लक्ष्मी बिन बिन ऐसा सुना है आ बैठे बड़ा है उसका बड़ा भाई है सब में हसमुख तुम्हारे पास है
करता आता है समय। पांच भाई बहुत मानते हैं उसको, बड़ा को बड़ी तरीके ये उसमें क्या आया दूर में। आया तो परमात्मा कहते हैं एक बार सुन तो सही प्रभु, इन नए निक्षेप प्रमाण ने नव तत्व का भेद। तेरे ज्ञान करने में ज्ञान आता है, पर तेरे अनुभव करने में वो ज्ञान काम नहीं करते। क्या किया, नव तत्व का ज्ञान, नई निक्षेप का ज्ञान, प्रमाण का ज्ञान, अंतर दृष्टि में अनुभव करने पर वो काम बिल्कुल नहीं करते। ऐसा भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु ये तरफ से झुकने से जो आनंद का अनुभव आता है उसमें आज भेद की अपेक्षा है नहीं, वह अपेक्षा है भेद को झूठा के लिया। एक बात, अपना जो द्रव है ना वस्तु, अपनी चीज है ना द्रव, ये अपेक्षा से दूसरा द्रव को अद्रव कहते हैं। समझ में आया क्या किया ये है? नहीं समझ में आया तो स्पष्टीकरण कर दे। भगवान के शास्त्र में ऐसा लिया ही तो भंगी कि अपना द्रव्य जो वस्तु है अपनी द्रव्य अपने से द्रव है, पर अपना द्रव्य की अपेक्षा से भगवान का द्रव्य ने भेजा दूसरा द्रव्य है अद्रव है। आद्रव की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य अद्रव है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य है। युगल जी अपना संघ प्रदेशी क्षेत्र से स्वक्षेत्र पड़े आत्मा है ये अपेक्षा से दूसरा जो क्षेत्र संघ प्रदेशी जीव का है ये अक्षेत्र है। और अपना जो त्रिकाली आत्मा है और वर्तमान पर्याय है ये अपेक्षा स्वकाल मां अपने अस्थि है, यानी अपना स्वकाल की अपेक्षा से परद्रव की पर्याय का काल है ये अकाल है। क्या भाव उसने, यानी अपना भाव त्रिकाली आनंद ज्ञान दर्शन आदि भाव से अपना भाव है, अपना भाव की अपेक्षा से सब दूसरा द्रव्य का जो भाव है ये अभाव है। समझ में आया? ऐसे या नव तत्व की पर्याय भेद निक्षेप नई प्रमाण का भेद अपना त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा झूठ है। पर तो अद्रव्य क्षेत्र का अभाव है। भाई प्रभु नो मार्ग बहुत सूक्ष्म से सप्तभंगी चलती है ना, तो अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव से अपना अस्ति है न, अपना द्रव्य क्षेत्र का अभाव से पर की वस्तु नास्ती है, अद्रव्य क्षेत्र का अभाव है। ऐसे यहाँ पर्याय में नव तत्व का भेद, नई निक्षेप का भेद, प्रमाण का भेद है उसकी अपेक्षा से, जो अपनी अपेक्षा से दूसरा द्रव्य है और उसकी अपेक्षा से द्रव्य है। एम पर्याय में आप बोल चार आता है यहाँ तो उसकी अपेक्षा से है, पर अंतर अनुभव करने से स्वद्रव्य ना अनुभव करने से ये नहीं है। अरे बात हो गया, धर्म कहाँ हो गया? हाँ धर्म हुआ, अंतर आनंद का अनाथ का अनुभव करने पर जो आनंद वेदन आया और ज्ञान सुनक हुआ
और वीर जी अपनी अनंत शक्ति की पर्याय की रचना किया वो धर्म है। अभी बात ये लोग पी कह रहे फोनगढ़ वाला नीचे ये क्रांति है कहो भाई तुमने ये रुचे है ऐसा कहना चाहिए हैं? सब लोग राजी रहे आत्मा राजी रहे उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकार कि कोई ऐसी चीज नहीं कि सबको पसंद हो सच बात कहने के तो असत बात वाला को दुख होगा उसमें क्या है मोक्षना मोक्षना प्रकाश ने बहुत स्पष्ट किया है पूर्ण मल है वो तुम्हारी ऊपर आक्षेप है खबर है कि तुम्हें टूडन मल नो बुद्धू मानो छो तुम्हें एने माटी चलाया तो नहीं तुम मानते नहीं तुम आया है साथ में आया है, है? आया है एम के टोडनमल स्मारक में टोडनमल ने प्रमाण मानते हैं हमें से कहते हैं हुकमचंद जी हमारी साथ चर्चा करे वो प्रमाण मानते नहीं ठीक आया है किस में आया हाँ खबर है हम तो मोक्ष मार्ग प्रकाश तो बासी के हिसाब से मानते हैं बासी 52 वर्ष हुआ समय सार ज्योतिष है 56 वर्ष हुआ एक एक अक्षर एक एक शब्द को इन भिन्न कर न्याय क्या है उसका शोध कर लिया है इन लेखन आया भाई तुम्हारों पर कि तुम्हें स्मारक टोडनमल स्मारक करके टोडनमल को मानते हैं तो टोडनमल में लिखा है ये प्रमाण को मानते नहीं हमारी श्रद्धा फेर है कहीं गया रतन चंद जी हमारे भाई का ऐसा आक्षेप आया है नौ बैसे शुरू में तो कहा है यथार्थ पर समझे उसको नहीं कोई वक्त ऐसा लिखा है उसने कि भाई जो यहाँ राग की मूनता करते करते करे भविष्य में कोई निमित्त ऐसा मिल जाए तो कदाचित पाना ऐसा भी लिखा है पर वो तो व्यवहार के कथन है खबर है समझ आया एम के लोग को आठ भूल निकाल आ रही है हम तो सारा मोक्ष मार्ग की खबर है अरे प्रभु यहाँ तो ज्ञान नए निक्षेप प्रमाण ने नव तत्व का भेद को भी स्वभाव के अंतर अनुभव करने पर झूठा कहते हैं तो तुम्हारे कई बात भी सच्चा की खत्मा है दया दान व्रत में राग वो तो झूठा है स्वभाव के अनुभव में पीछे नहीं तरी झूठा है अंतर आनंद का प्राप्त कराने माटी झूठी चीज है जेमा भेद नव तत्व नहीं निक्षेप का पर्याय अनुभव करने वाले को झूठा है ये उपरांत व्यवहार तंत्र यही नीचे पाने माटी झूठा है मुंबई सारी बात है भाई मानो गमे की मानो वस्तुता है समझ में आया ये आए कहते हैं एक जीव ही प्रकाश मान है है नौ तत्व में प्रमाण का भेद में नई का भेद में और निक्ष का भेद में एक रूप चैतन्य प्रकाश मान नहीं होता वो तो अनेक रूपे भिन्न भिन्न भाषे हैं पर जब भगवान आत्मा एक रूप चैतन्य प्रकाश का पूर्ण प्रभु है वो तरफ का अनुभव करने पर वो पर्याय में था ऐसा कहा था पर अनुभव करने पर ही झूठा है विशेष कहेगा।